हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुहव विद पिंकी। टुडे वी विल गोइंग टू लर्न द स्टोरी ऑफ द ब्रेव टेलर। दिस स्टोरी इज़ अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज। सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स खुद पर भरोसा एंड करेज मीन्स साहस। इज़ इट इनफ टू बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग और डू यू नीड टू बी क्लेवर टू फेस अ चैलेंज। किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए उसको फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या क्लेवर होना चाहिए। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट। वी विल रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट। लेट अस स्टार्ट। वन लवली समर डे अ हम्बल टेलर वॉज वर्किंग इन हिज शॉप व्हेन अ वॉमन सेलिंग थ्रेड पास्ड बाय। वन लवली समर डे अ हम्बल टेलर। हम्बल मीन्स हैविंग अ लो रैंक और सोशल पोजिशन। हम्बल टेलर अपनी शॉप में वर्क कर रहा था, तभी एक वॉमन थ्रेड सेल करती हुई वहाँ से निकली। She told him about two giants who were causing a lot of trouble by robbing travelers in the kingdom. उसने उन दोनों giants के बारे में बताया कि वो पूरे kingdom में किस तरह से सबको trouble कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। Robbing means stealing money or things from people। किस तरह से लोगों की money चुरा रहे हैं। The king had announced that anyone who caught them could request the princess to marry him. तभी किंग ने अनाउंस किया। अनाउंस मीन्स टोल्ड पीपल ऑफिशियली और डिक्लेयर्ड कि जो भी उन दोनों जाइंट्स को पकड़ कर लाएगा वो प्रिंसेस से उसकी मैरी करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। दिस मेड द हम्बल टेलर इमेजिन द नाइस आइडिया ऑफ मैरिंग द ब्यूटिफुल प्रिंसेस। इस नाइस आइडिया से हम्बल टेलर ब्यूटीफुल प्रिंसेस से मैरी करने की इमेजिन करने लगा। सो ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द जाइंट्स। इसलिए उसने जाइंट्स को ढूंढना शुरू कर दिया। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम द टेलर रीच द फॉरेस्ट वेयर द जाइंट्स लिव्ड। और बहुत लंबे समय के बाद, ट्रैवलिंग करने के बाद, टेलर फॉरेस्ट में पहुंचा जहाँ दोनों जाइंट्स रहते थे। इट वॉज अ हॉट आफ्टरनून एंड द जाइंट्स वर स्लीपिंग। बहुत ज़्यादा आफ्टरनून थी और दोनों जाइंट्स सो रहे थे। दे वर स्नोरिंग लाउडली। स्नोरिंग मीन्स ब्रीथिंग नॉइजली थ्रू वंस माउथ एंड नोज इन स्लीप। वो दोनों स्नोरिंग कर रहे थे बहुत तेज से, मीन्स खर्राटे ले रहे थे। द टेलर कुड हियर देयर स्नोर फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। और टेलर उनकी स्नोरिंग की साउंड बहुत दूर से सुन रहा था। ही फॉलोड द साउंड एंड फाउंड द जाइंट्स स्लीपिंग अंडर अ ट्री। अब टेलर उनकी साउंड को फॉलो करता हुआ जाइंट्स के पास पहुंच गया जहां पर वो दोनों ट्री के नीचे स्लीपिंग कर रहे थे। द टेलर हिड बिहाइंड अ ट्री। टेलर एक ट्री के पीछे छिप गया। ही देन पिक्ड अप अ स्टोन क्वाइटली एंड थ्रू इट एट द फर्स्ट जाइंट। उसने एक स्टोन चुपचाप उठाया और फर्स्ट जाइंट के ऊपर फेंका। द जाइंट वॉक्स अप एंड लुक्ड अराउंड इन एंगर। जाइंट्स उठा और अपने चारों ओर देखने लगा गुस्से से। बट ही डिड नॉट सी एनीबडी एक्सेप्ट हिज फ्रेंड। लेकिन उसे वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के अलावा और कोई दिखाई नहीं दिया। ही थॉट दैट हिज फ्रेंड हैड हिट हिम एंड ही वॉज नाउ प्रिटेंडिंग टू स्लीप। उसने सोचा कि उसके फ्रेंड ने उसको मारा है और अब वह सोने का बहाना बना रहा है। ही वॉक अप हिज फ्रेंड एंड शाउटेड एट हिम। उसने अपने फ्रेंड को उठाया और उस पर चिल्लाया। हिज फ्रेंड सैड ही हैड नॉट हिट हिम। उसके फ्रेंड ने कहा उसने उसको नहीं मारा है। दे बोथ वेंट बैक टू स्लीप अगेन। वे दोनों अब दोबारा सो गए। द टेलर पिक्ड अप अनदर स्टोन फ्रॉम बिहाइंड द ट्री एंड थ्रू इट एट द सेकेंड जाइंट्स। अब टेलर ने दूसरा स्टोन उठाया और पेड़ के पीछे छिप गया एंड थ्रू इट और उसको सेकेंड जाइंट्स पर फेंका। द जाइंट वॉक अप एंग्रीली। जाइंट गुस्से में उठा। नाउ ही थॉट हिज फ्रेंड। अब उसने उसके फ्रेंड के बारे में सोचा। द फर्स्ट जाइंट हैड हिट हिम
विद द स्टोन, जैसे कि फर्स्ट पहले वाले जाइंट्स के ऊपर स्टोन उसने फेंका था, मारा था. सो ही हिट हिज स्लीपिंग फ्रेंड विद द सेम स्टोन, इसलिए उसने अपने स्लीपिंग फ्रेंड पर, सोते हुए फ्रेंड पर उसको हिट किया, उसको मारा. हिज फ्रेंड वोक अप एंड हिट हिम ऑन द हेड, उसका फ्रेंड उठा और उसके सर पर मारा. अ फायर्स फाइट स्टार्टेड बिटवीन द टू जाइंट्स, फायर फाइट, फायर्स मीन्स फिजिकली वायलेंट एंड फाइटनिंग, अब वो दोनों बुरी तरह से लड़ने लगे. द टू जाइंट्स पुल्ड अप ट्री एंड हिट ईच अदर विद देम वेरी हार्ड, अब दोनों जाइंट्स ट्री को पुल करने लगे, ट्री को खींचने लगे एंड हिट ईच अदर, और एक दूसरे को मारने लगे बहुत बुरी तरह से. सून दे वर बोथ हर्ट बैडली दैट दे फेल टू द ग्राउंड, अब वो दोनों इतनी बुरी तरह से घायल हो चुके थे कि वो ग्राउंड पर गिर गए. दे वर अनेबल टू मूव एंड ले देयर स्टिल, और वो मूव करने में भी अनेबल हो गए थे, मतलब वो उठ नहीं पा रहे थे. एंड ले देयर स्टिल, और वहीं पर लेटे रहे. द टेलर वॉज वेरी हैप्पी, टेलर अब बहुत खुश था. ही टाइड देम टू अ ट्री एंड वेंट टू द किंग्स पैलेस, अब टेलर ने उन दोनों को एक ट्री से बांध दिया और राजा के महल में चला गया. ही टोल्ड द होल स्टोरी टू द किंग इन द प्रेजेंस ऑफ हिज कोर्टियर्स एंड द प्रिंसेस, अब उसने सारी स्टोरी राजा को बताई कोर्टियर और प्रिंसेस की प्रेजेंस में. एवरीवन वाज अमेज्ड एट हिज क्लेवरनेस, अमेज्ड मीन्स वेरी सरप्राइज, वहाँ पर सभी लोग उसकी क्लेवरनेस पर बहुत ही सरप्राइज्ड हुए. द किंग वाज वेरी प्लीज्ड एंड ही थैंक्ड द टेलर, प्लीज्ड मीन्स फीलिंग हैप्पी अबाउट समथिंग, अब राजा बहुत खुश हुआ, बहुत हैप्पी हुआ और उसने टेलर को धन्यवाद किया. ही सेंट हिज मैन टू अरेस्ट द जाइंट्स, अब उसने अपने मैन को, जाइंट्स को अरेस्ट करने के लिए भेजा. द प्रिंसेस सेड दैट शी वॉन्टेड टू मैरी द हम्बल टेलर, अब प्रिंसेस ने कहा कि वह हम्बल टेलर से मैरिज करना चाहती है. द टेलर वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स वेरी प्लीज, टेलर बहुत खुश हुआ. देयर ग्रैंड वेडिंग टुक प्लेस एट द कोर्ट, अब दोनों की कोर्ट में वेडिंग हुई. द होल किंगडम सेलिब्रेटेड एंड ऑल द पीपल प्रेज द ब्रेव टेलर, पूरे किंगडम ने उनकी मैरिज को सेलिब्रेट किया और सभी पीपल ने टेलर, जो ब्रेव टेलर था, उसकी प्रशंसा की. द टेलर एंड हिज वाइफ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, अब टेलर और उसकी वाइफ दोनों खुशी खुशी रहने लगे हैं. थैंक यू.